नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हम श्री श्याम मंदिर में उपस्थित हूं और जहां देख सकते हैं कि श्री श्याम मंदिर का जो तैयारियां देख सकते हैं कमेटी के लोग कर रहे हैं और आगामी 20 तारीख को यह फागुन महोत्सव जो होना है। और आपको दिखाना भी चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि यहाँ पर जो फागुन महोत्सव जो पिछले वर्ष हुई थी और इस वर्ष जो भी होने वाले वो भव्य तरीके से होगा। यहाँ के संयोजक आयुष बंका और उप संयोजक हमारे साथ में बात कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, आपको खबर के माध्यम से बताने की प्रयास करूँगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो ये मंदिर परिसर आप जो देख रहे हैं, ये भव्य तरीके से इसको फिर से सजाया जाएगा और उनिंदा कलाकारों को यहाँ पे आएंगे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाएंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं हमारे साथ में संयोजक। काफ़ी आकर्षक इस झांकी को बनाया जा रहा है और झाझा की जनता इस झांकी को देख के, मतलब हम लोगों की तैयारी हर साल की अपेक्षा नए साल में हम लोग कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं और झाझा की जनता और हमारे समाज के सहयोग से बेहतर कर भी पाते हैं। और इस बार मंदिर की साज सजावट भी कुछ नए ढंग से करने के लिए बाहर के माली कलाकार लोग आ रहे हैं। शासन से अपेक्षा की बात करें तो पूर्व में जैसे हमारे थानाध्यक्ष राजेश शरण जी के रहते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था उनके द्वारा दी जाती थी वो काफ़ी काबिलियत तारीफ रहती थी और हम नवनिर्मित थानाध्यक्ष से भी उसी प्रकार की सुरक्षा एवं उनका सहयोग की अपेक्षा करते हैं। साथ ही नगर परिषद की भी जो सपोर्ट हम लोगों को हर साल मिलते आया है, जैसा कि वो विशेष शोभा यात्रा के दरमियान साफ सफाई की विशेष ध्यान और उनके तरफ से सहयोग मिलता है, इस वर्ष भी हम लोग नवनिर्मित अध्यक्ष श्री संजय यादव जी एवं समाजसेवी गुड्डू यादव जी के नेतृत्व में उसी प्रकार का सहयोग और पिछले साल से बढ़ चढ़कर उनका सहयोग हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके तरफ से रहेगा और हमें विश्वास है कि वो अपने इस मतलब सहयोग में काफ़ी हद तक 100% वो मतलब अपना खड़ा उतरेंगे। कितना उत्साह है? उत्साह तो बहुत है इस बार भी, क्या बोलते हैं, हर साल पिछले बार से कुछ डिफरेंट होने का अनुमान है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, यही आशा करते हैं कि इस बार सब अच्छे से हो और एकदम पूरे झाझा में अच्छा से इस 2-3 दिन का अवसर हो। जम्मू वासियों से क्या कहना चाहते हैं? जम्मू वासियों से कहेंगे कि आप लोग यहाँ आइए, झाझा में भी आइए, झाझा का मंदिर का शोभा यात्रा में शामिल होइए, कीर्तन में रहिए, आके प्रेम भक्ति से आप 2 दिन अपना भगवान के प्रति समर्पित रहे। नहीं, इस बार तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी पिछले साल की अपेक्षा। इस बार उम्मीद है कि कम से कम 5,000 लोग श्रद्धालु जरूर मंदिर आएंगे और शोभा यात्रा हो, निशान यात्रा हो, सब में सम्मिलित रहेंगे। कोलकाता से आ रहे हैं, भागलपुर से आ रहे हैं, प्रयागराज से आ रहे हैं और हमारे कानपुर से भी आ रहे हैं और हमारे जो रासलीला जो होंगी, जो मतलब नृत्य दिखलाएंगे, वो वृंदावन से भी आ रहे हैं। टोटल हम लोग के ये तो 5 हो ही गए हैं और वृंदावन के जो टीम आएंगी जो रास दिखलाएंगे उनके भी लगभग 21-22 आदमी टोटल वो भी रहेंगे। अच्छा, निशान की तैयारी जिस तरह मंदिर परिसर में हम देख पा रहे हैं कि निशान बनना जो है वो शुरू हो गया, तो लगभग कितने सदस्य इसके लिए अभी से तैयारी होने जा रही है? हम लोग लगभग यहाँ पर 30 आदमी लोग जुड़े हुए हैं तैयारी निशान के लिए और इधर उधर जो हो रहा है और बाकी जो मंडल के जितने भी हमारे लगे हुए हैं अध्यक्ष वगैरह जितने भी हैं, मंत्री हैं, मतलब पूरे कार्यकारिणी सदस्य जितने यहाँ 21 और जो हैं वो लोग तो पूरे बाहर का पूरा देख रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से कोलकाता वगैरह से जितना ये डेकोरेटर देख रहे हैं आप, ये टोटल उतर जाएगा फिर से नए। हाँ, ये इस बार पूरा ही उतरेगा और पूरा मतलब अपनी भव्य तरीके से, मतलब हम लोग की कोशिश है, बाकी बाबा की मर्जी के सामने किसी का कुछ चलने वाला नहीं है, है ना, लेकिन पूरा अच्छा से अच्छा तैयारी होगा और हम लोग की पूरी प्रयास है और पूरे झाझावासी हम लोग के साथ हैं कि अच्छे से अच्छे फंक्शन हो